डिंपल यादव का जन्म 1978 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वह सेवानिवृत्त भारतीय सेना कर्नल आरएस रावत और चंपा रावत की पुत्री हैं। उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का है। उनकी शिक्षा पुणे के भटिंडा और अंडमान निकोबार द्वीप और आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ में हुई थी। डिंपल यादव का विवाह अखिलेश यादव के साथ 1999 में हुआ था। अखिलेश यादव को भैया कहने के कारण उत्तर प्रदेश में युवा इन्हें डिंपल भाभी के नाम से भी संबोधित करते हैं। डिंपल यादव ने 2009 में फिरोजाबाद के लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ा, लेकिन अभिनेता राज बब्बर के खिलाफ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उपचुनाव इनके पति अखिलेश द्वारा इस क्षेत्र में और साथ ही कन्नौज में मई 2009 के आम चुनाव में दोनों सीटों के जीतने के कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने कन्नौज से अपनी सीट ले ली थी। 2012 में उनके पति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रवेश करने के लिए सीट खाली करने के कारण एक अन्य उपचुनाव के लिए उन्हें कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। डिंपल यादव देश की 44वीं व्यक्ति बनी और भारत की स्वतंत्रता के बाद से उत्तर प्रदेश में केवल चौथा निर्विरोध चुना गया। यह स्थिति तब पैदा हुई जब दोनों उम्मीदवारों दशरथ सिंह शंखवार संयुक्ता समाजवादी दल और संजू कटियार निर्दलीय ने अपना नामांकन वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामित नहीं किया था। इन्होंने लोकसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला और 1952 में प्रयागराज इलाहाबाद पश्चिम से पुरुषोत्तम दास टंडन के निर्वाचन के बाद दूसरी महिला बनी। वह एकमात्र ऐसी महिला सांसद बनी जिसके पति मुख्यमंत्री थे और वह भी जिसका ससुर भी उसी सदन का सदस्य था। डिंपल यादव ने 2017 के उप मुख्यमंत्री के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कई चुनाव प्रचार की थी। उनके भाषणों को जनता द्वारा खूब सराहा गया। डिंपल यादव देश में महिला मुद्दों को लेकर अक्सर बोलती नजर आती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई गई महिला सुरक्षा के लिए 1090 डायल नंबर का समर्थन किया। डिंपल यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में कन्नौज से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के सुब्रत पाठक से 10,000 मतों के अंदर से हार गई थी। डिंपल का यहां से चुनाव हारना सपा के लिए निराशजनक था, क्योंकि यह यादव बाहुल्य सीट दशकों से सपा का गढ़ रही है। अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कन्नौज लोकसभा से उच्च स्तर का विकास किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एके न्यूज़।